नमस्कार, पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि के विशेष पेशकश के साथ मैं हूं बीके कोमल। आज उन रहस्यों से पर्दा उठेंगे जो सदियों से सवाल पूछ रहे हैं। आप उस सच से रूबरू होंगे जो हमारे उत्थान और पतन से संबंधित है। आखिर शिव से क्यों जुड़ा है रात्रि का संबंध? शिव की कथित बारात में क्यों शामिल होते हैं भूत और पिशाच? आखिर क्यों चढ़ाया जाता है शिव के ऊपर भांग, धतूरा, अग के फूल जैसी निरर्थक चीजें? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढे जाएंगे। सबसे बड़े सवाल का भी उत्तर मिलेगा कि आखिर कैसे हो सकता है परमात्मा से शिव मिलन। इसके लिए हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों में भी ले चलेंगे, जहां हमारे रिपोर्टर्स होंगे जो वहां के लोगों की राय जानेंगे और ये भी जानेंगे कि वे लोग भी शिवरात्रि कैसे मनाते हैं। इसके लिए हमारे स्टूडियो में खास मेहमान उपस्थित हैं। हमारे यहाँ विश्वानंद मुनि जी हैं महाराज, जो विश्व धर्म एकता के कोऑर्डिनेटर हैं, जो राजकोट गुजरात से हैं। डॉक्टर पुष्पा पांडे हैं, जो भागवत गीता की विद्वान हैं, जिन्होंने काफ़ी शोध किया है। और तीसरे जो खास मेहमान हैं बीके ब्रजमोहन जी हैं, जो ब्रह्मा कुमारी संस्था के अतिरिक्त महासचिव हैं और साथ ही प्यूरिटी मैगजीन के प्रधान संपादक भी हैं। इन तमाम सारे जो सवाल होंगे उनके उत्तर इन्हीं विद्वानों से ढूंढे जाएंगे और हम यह जानेंगे कि आखिर महाशिवरात्रि पर कैसे शिवरात्रि मनाया जाए, आखिर कैसे शिव से मिलन मनाया जाए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि शिवरात्रि है क्या। महाशिवरात्रि परमात्मा शिव के रूप में मनाई जाती है दुनिया भर में। भारत में तो है ही, लेकिन नेपाल के साथ साथ पूरे विश्व में परमात्मा शिव की शिवरात्रि मनाई जाती है और लोग अलग अलग तरीकों से मनाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है यदि शिवरात्रि के पर्व पर अगर सच्चे दिल से परमात्मा की उपासना की जाए, परमात्मा शिव की उपासना की जाए, तो प्रसन्न हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन जो लोगों के अनसुलझे सवाल हैं, लगातार लोगों के मन ही मन इसको ढूंढते रहते हैं कि आखिर इन सवालों का उत्तर क्या होगा। लोग पूजा करते हैं, भांग धतूरा चढ़ाते हैं, अर्चना करते हैं, लेकिन ना तो उनकी मुरादें पूरी होती हैं और ना ही उनके दर्शन होते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? आज हमारे इसी विशेष पेशकश पर हम तमाम जो हमारे साथ मेहमान उपस्थित हैं इनसे हम एक एक करके जानेंगे कि क्या है इसका अर्थ और कैसे होगा इसका खुलासा। सबसे पहले हम जानते हैं हमारे साथ विश्वानंद मुनि जी हैं। महाराज आप बताइए, आप तो तमाम भक्ति में कर्मकांड किए हैं, लोगों के साथ जुड़े रहे हैं, भक्ति के साथ जुड़े रहे हैं, आखिर इन सवालों के जवाब या जो महाशिवरात्रि के सवाल के जवाब हैं कहाँ विभेद पैदा करते हैं, कहाँ लोगों से दूर करते हैं और क्यों नहीं लोगों को जोड़ने देते हैं? पुराण में भी महाशिवरात्रि के बारे में शिव पुराण में भी ये बात रखी गई है। इस दिन रात्रि को शिव भगवान खुद ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उसने खुद ने बताया कि इस दिन इस दुनिया में कोई भी मेरी पूजा करेंगे सच्चे दिल से तो मैं उसकी मनोकामनाएं पूरी करूंगा। और इस समय पे ज्योतिर्लिंग स्वरूप शिव भगवान ने विष्णु और ब्रह्मा को ओमकार का उपदेश दिया और वो रहस्य बताया कि इस सृष्टि पे इस रात्रि पर कोई भी भक्त आत्मा मेरी पूजा करेगा तो उसको मैं अनेक गुना फल भी दूंगा और अभी से मेरी जो पूजा करनी है तो लिंग के रूप में मेरी पूजा करनी है वो भी उसने बताया। आपको थोड़ा सा हम रोकना चाहेंगे महाराज जी। देखिए तमाम लोग पूजा कर रहे हैं, सदियों से पूजा कर रहे हैं और लगातार हर तरीके से पूजा कर रहे हैं, जितना भक्ति में चलता है तमाम चीज़ें पद्धतियाँ, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये सवाल लोगों के बीच आज भी कौंध रहा है कि आखिर में क्या वजह है कि जो लोग या तो ना उस चीज़ को प्राप्त कर पाते हैं और ना ही कभी उस मंजिल तक पहुंच पाते हैं, ये कहाँ भेद पैदा हो रहा है, आप क्या इसके बारे में कह सकते हैं? हाँ जी, आगे से चली आती है और लोग करते हैं, लेकिन कामयाबी तो तब होगी जब उसका हृदय साफ होगा, जब वो विकारों से मुक्त होंगे। ऐसे भक्त आत्मा जब लगन से, तमन्ना से, एकदम प्यार से, जब आतुरता से उसको बुलाएंगे, पुकारेंगे, प्रार्थना करेंगे, हृदय की बात रखेंगे, तब ही तो उसको प्राप्ति होगी। पुष्पा जी आप देखिए, चूंकि आप गीता में बहुत महारत हासिल है, आपको आपने काफ़ी शोध किए, जहाँ तक सवाल आपका है, आपने कहा कि उसके लिए बहुत दिल से पुकारने की ज़रूरत है, दिल साफ करने की ज़रूरत है। गीता में भी कहीं ना कहीं भगवान शिव के बारे में विवेचना मिलती है, तो आपको क्या लगता है कि जो मन के साफ करने का प्रोसेस है या जो मन को मन से पुकारने का प्रोसेस है, गीता में कहाँ इस चीज़ को क्लैरिफाई किया गया है कि नहीं परमात्मा से अगर मिलना है तो उसके लिए करना पड़ेगा, और उसका क्या सिस्टम हो सकता है? क्या आपको नहीं लगता कि इसके बारे में भी कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन की जरूरत?
वैसे जो गीता है वास्तव में एक महाभारत का एक पार्ट है, तो परमात्मा शिव का महत्व तो महाभारत में भी दिया हुआ है, कि आदि पर्व शुरू में दिया हुआ है महाभारत में भी, कि जब सृष्टि का जो प्रारंभ हुआ, रचना हुई, तो उसमें परमात्मा शिव एक अंड रूप में प्रकट हुए, ये उसमें भी दिया है। और श्रीमद् भगवद गीता में भी वैसे स्पष्ट शिव नाम तो नहीं दिया, लेकिन उनके जो पर्यायवाची जैसे भूत महेश्वर, इस तरह से कई सर्वेश्वर, इन नामों से उनको बताया गया है। कहीं भी गीता में श्री कृष्ण का नाम नहीं है फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में कहीं नहीं है। और सचमुच परमात्मा शिव चूंकि भोलानाथ है, और उसको जानने से, उसको सही रूप में जानने से, और वो सर्वोच्च है, सबसे ऊंच है। वैसे तो हमारा देश भारत आध्यात्म प्रधान देश है, हर दिन त्योहार के रूप में मनाए जाते हैं, लेकिन ये जो परमात्मा शिव है ये सर्वोच्च है, ये महाभारत में भी शो हुआ है। क्योंकि जब श्री कृष्ण जब पांडवों के साथ जहां ले जा रहे थे, यहां हम आपको रोकना चाहेंगे। हाँ, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि परमात्मा शिव सर्वोच्च है, यस, जो गीता में अब तक की जो विवेचना मिलती है, जी जी, अब तक जो गीता के विद्वान के लोग हैं, अच्छा आपने शोध किया है, लेकिन कहीं न कहीं इस बात में भ्रम पैदा हुआ है कि कहीं न कहीं जो श्री कृष्ण का रूप है, जो उन्होंने कृष्ण को साक्षात्कार कराया, तो उन्होंने किस रूप में कराया, नहीं कराया, लेकिन इसको कैसे आप क्लेरिफाई करती हैं कि नहीं ये परमात्मा शिव सर्वोच्च हैं, और कैसे लोगों को बता, क्योंकि गीता में जो वर्णित है उसके अनुसार तो कहीं ना कहीं इसमें उलझन है, आखिर में इस उलझन को कैसे आप लोगों के सामने रखेंगी या उनको क्लेरिफाई करेंगे कि नहीं मन की सफाई के लिए इन उलझनों को सुलझाना जरूरी है। गीता में जैसे आपने कहा कि वहाँ फर्स्ट पर्सन में कहीं भी नहीं लिखा है कि मैं श्री कृष्ण बोल रहा हूँ, या तो अर्जुन वाच में है या संजय वाच में है। तो ये स्पष्ट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो गीता जो सुनाई गई वो वास्तव में सर्वोच्च परमात्मा ने सुनाई, क्योंकि ये गीता में लिखा हुआ है अध्याय 8 में 9वें श्लोक में, कविम पुराणम अनुशासितारम अणुन अणुयम अनुस्मरेद्यः। मतलब जो मैं हूँ, परमात्मा ने उसमें अपना परिचय दिया है कि मैं अणु से भी सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, और शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी ज्योति स्वरूप। अर्थात गीता जो सुनाई है वो वास्तव में परमात्मा ने सुनाई है, लेकिन चूंकि उसका लोग सही अर्थ नहीं जानते हैं, इसलिए गीता को भी लोग अपने जीवन में नहीं लाते हैं और वो कर्मकांड जैसे ही हो गया। इन्हीं सवालों का जवाब हम जानते हैं, हमारे भ्राता ब्रजमोहन जी हैं, आप बताइए, जो कि ब्रह्मा कुमारी की फिलोसॉफी कहीं ना कहीं गीता को इंगित करती है, जहां तक मुझे समझ है इस मामले में, कि परमात्मा शिव के बारे में जो क्लैरिफिकेशन, जो ज्ञान, जो समझ लोगों को दी जाती है बिल्कुल कट टू कट दी जाती है। तो इसमें आप बताइए कि जो शिवरात्रि के संदर्भ में जो लोगों में दुराव पैदा हुआ, लोग अपने अपने तरीके से पूछते रहे, लोगों का दावा रहा, तो इस मामले में जो भेद पैदा हुआ, जो दुराव पैदा की स्थिति हुई, वो कहाँ से पैदा, आखिर कहाँ गैप हुआ, क्या आप लोगों को बताना चाहेंगे? अगर किसी को सच में अगर भगवान से मिलना हो या शिवरात्रि मनाना हो, तो कौन सा वो प्रयास करे कि ये चीज़ें उसको स्पष्ट हो सके? देखिए, आपने प्रश्न ये पूछा था कि मन की शुद्धि, स्वामी जी ने भी कहा कि आपने भी पूछा कि मन की शुद्धि इत्यादि का जो प्रक्रिया गीता में बताई गई है उसको कैसे गीता के साथ जोड़ा जाए और शिव के साथ जोड़ा जाए। पहली बात यह है कि गीता के भगवान ने कहा है कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी भव, कि मुझे याद करो, मेरे से मन को लगाओ, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूँगा। एक और जगह भी कहा है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, कि मेरे शरण में आ जाओ। इन दोनों में ये बताया गया है कि परमात्मा कहते हैं कि मेरे पास आ जाओ, मेरे में मन को लगाओ, और तभी आपका शुद्धिकरण होगा, सर्व पापों से मुक्त करूंगा। अब जो कैपिटल क्वेश्चन ये है कि कौन भगवान, जो वो गीता का भगवान, क्योंकि बहन जी ने कहा वो फर्स्ट पर्सन में है, हर जगह भगवानों वाच, और कोई दुनिया का ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें भगवानों वाच हो और फर्स्ट पर्सन में हो, मैं कह रहा हूँ मेरी शरण में आ जाओ,
तो ये बात यहाँ तक आती है कि आखिर वो कौन है। अब आप देखिए यही कन्फ्यूज़न है और इसी कारण से शुद्धिकरण नहीं हो पाता क्योंकि वो लगा नहीं पाते। और दूसरी जो शिव की बात की उसका भी इससे बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। तो किसी शरीर को याद करने के लिए तो भगवान ने कहा नहीं, बहन जी ने भी कहा, स्वामी जी ने भी कहा कि परमात्मा का ज्योति स्वरूप है। ज्योति स्वरूप में लिंग इसलिए कहा गया है कि वो कोई सर्वव्यापिक ज्योति नहीं है, उसका कोई आकार है। पर लिंग को भी तो लोगों ने जोड़ते रहे, जो संत थे, जो महात्मा थे, जिन्होंने भी जिनके पास गए वो कहीं ना कहीं जोड़ते रहे कि इनसे जुड़ जाओ, इनसे जुड़ जाओ। आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए। अब प्रश्न ये है कि तीन चीज़ें हैं, अगर परमात्मा को याद करना है तो श्री कृष्ण जी तो थे, यानी वो आए, शरीर धारण किया, हम कहेंगे श्री कृष्ण जी थे। परमात्मा तो हर वक्त है जी। तो परमात्मा का निराकार स्वरूप क्या है? जैसे मैं हूँ, मेरा ये शारीरिक रूप है, इसकी तो लिमिटेड अवधि है, लेकिन आत्मिक रूप से तो मैं शाश्वत हूँ। तो जब परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो, मैं तुम्हारे विकर्म विनाश करूँगा, तो उनका परम आत्म स्वरूप है। दूसरी बात कि आसानी के लिए हम आपको बता रहे हैं कि जितने भी देवी देवता हैं, श्री कृष्ण जी का नाम देवी देवताओं की श्रेणी में आता है, लॉर्ड कृष्णा कहा जाता है। उनके साथ श्री राधे जी दिखाए जाते, शरीरधारी हैं। परमात्मा कहते हैं कि मैं कभी शरीर धारण करके मनुष्यों की तरह कर्म में नहीं आता। तो सारे जितने भी हमारे देवी देवता हैं, जिससे कन्फ्यूज़न पैदा होता है, उनमें वो कौन है जिसको परमात्माए नमः कह के पूजा की जाती है? तो आपका प्रश्न क्लियर हो जाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर जी को तो वैसे महादेव कहते हैं, ब्रह्मा जी को आदि देव कहते हैं। केवल और केवल शिव हैं जिनकी वंदना पूजा ओम नमः शिवाय, ओम मैंने मैं आत्मा शिव को नमः करती हूँ, शिव परमात्माए नमः कहकर हो। इससे ज़्यादा साफ और क्या हो सकता है कि शिव ही परमात्मा है, जिनका लिंग रूप स्थापित भी है भारत में और उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं, जितने भारत के 8 मठ हैं। तो निराकार शिव, और वो गीता कहती है कि भगवान कहते हैं मुझे याद करो, तो परमात्मा का, या यूँ कहें गीता के भगवान का निराकार स्वरूप ज्योति स्वरूप शिव है। देखिए मुनि जी, जैसे आपने बहुत अपनी बात को बारीकी से इन्होंने रखा है कि जो जो पिंड रूप है, चाहे जो आंतरिक शुद्धिकरण की बात जैसे आपने उठाई है और आपने सवाल किया, और हमारे तमाम दर्शकों के भी ये सवाल हैं कि आंतरिक शुद्धि की जो बात इन्होंने कही है कि उसके लिए परमात्मा ने कहा कि मेरे साथ जुड़ो, जो आपने बिल्कुल कहा, इसमें कहाँ कन्फ्यूजन पैदा होता है कि लोग जुड़ नहीं पाते हैं आपके ध्येय से, आपके नजरिए से? क्योंकि आप लोग तो तमाम जोड़ते ही लोगों को आए, जब से पूजा पाठ कर्म कांड शुरू हुआ कहीं ना कहीं रूप से आप लोगों ने जोड़ते आए, जोड़ते रहे, लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं जुड़े, तो उसका महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है? परम आत्मा शिव जो है, उसका अगर रियल अर्थ में परिचय न दिया जाए, उसकी पहचान रियल अर्थ में उसको रिकॉग्नाइज जब न की जाए, रियलाइजेशन उसको न मिले कि वो कहाँ है, कैसा है और वो क्या करता है और हम उसके साथ कैसे संबंध जोड़ सके, वो अगर वो सही तरीके से भक्त लोगों को जब तक जानकारी नहीं मिलेगी तब तक उसके साथ संबंध नहीं जुड़ेगा, और जब तक संबंध नहीं जुटेगा तब तक तो प्राप्ति कैसे होगी? नहीं तो उसका सही परिचय देना बहुत जरूरी है। पुष्पा जी, जैसे बताइए कि आप जैसे कह रहे हैं कि उनके साथ संबंध जुड़ा, ज्ञान नहीं दिया जाए, तो दुनिया में तमाम लोगों ने ज्ञान ही तो दिया है, अपने अपने रूप से दिया है, लेकिन उसके बाद भी अगर जुड़ाव नहीं हुआ है तो क्या माना जाए, ज्ञान की प्रक्रिया देने की गलत है या सही ज्ञान नहीं है? इसके संदर्भ में अगर गीता में कुछ है तो आप बताइए कि इसका क्या हो सकता है? वैसे दुनिया में सच में ज्ञान देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन वो जो सारे ज्ञान है वो मनुष्य ने दिए हैं, तो जो मनुष्य मत है उसके आधार पर पूरा शुद्धिकरण नहीं हो सकता। और लोगों को मालूम ही नहीं है ये जो सत्य ज्ञान है वो परमात्मा देता है और गीता में लिखा हुआ है। तो आप कैसे मान सकती हैं कि ये मनुष्य मत नहीं, ये परमात्मा का मत है? क्योंकि
जो शास्त्र में लिखा है लोग शास्त्रों के हिसाब से देते हैं और वो जो पढ़ते हैं, अब उसको आप मनुष्य मत कह लीजिए, या अगर कोई माने तो देव, नहीं तो माने तो पत्थर, अब कोई उसको ईश्वर मत कह लेता और आप कह रहे हैं कि मनुष्य मत है, तो ये मनुष्य मत और ईश्वर मत की जो विवेचना है इसको आप स्पष्ट कीजिए कि अगर किसी को ज्ञान देना है या अगर किसी को जोड़ना है तो ये मनुष्य मत और ईश्वर मत की विवेचना का कैसे डिफाइन हो सकता है, कैसे ये माना जाए कि ये मनुष्य मत है, ये ईश्वरीय मत है, ये ज्ञान मत। जैसे जो शास्त्र भी लिखे हैं तो शास्त्र जो लिखे उसमें भी एक सूक्ष्म अर्थ है, लेकिन लोगों ने क्या किया है कि स्थूल बुद्धि का प्रयोग किया और जो उसमें जो स्थूल चीजें लिखी हैं उसको उसके अनुसार ही शाब्दिक अर्थ में ले लिया। जैसे गीता में ही आप देख लीजिए, गीता में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं और आज इतनी हजारों गीताएं हैं और सब में लोगों ने मनुष्य मत के आधार पर उसका अपना वर्णन किया और इसी कारण लोग कंफ्यूज रहते हैं तो कि वास्तव में गीता है कि जो गीता अभी है और जो मनुष्य मत के आधार पे बड़ी हुई है, या गीता का प्रारूप कुछ और हो सकता है, आपके कहने का अर्थ क्या है? अवश्य ही, जो गीता जो प्रारंभ में लिखी गई थी उसका स्वरूप कुछ और था और आज उसका स्वरूप कुछ और हो गया है। जैसे आप महाभारत में ही देख लीजिए कि जो भीष्म पर्व के 25 से 42वें जो अध्याय उससे लिया गया है उसमें लिखा है कि 700 श्लोक हैं और उसके नेक्स्ट बात अगले ही अध्याय में 43 उसमें लिखा कि 745 श्लोक हैं। तो आप देख लीजिए उसमें ही इतना चेंज आ गया है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और सीधे हम दिल्ली के लोगों की राय जानेंगे कि हमारे वहाँ पर रिपोर्टर्स हैं वहाँ की, देखिए दिल्ली के लोग क्या कहते हैं इस मामले में, क्योंकि हमारी सहयोगी वहाँ पे पूजा हैं और दिल्ली से क्या लोगों की विवेचना इस मामले में शिवरात्रि के बारे में, आप देखते हैं उनकी रिपोर्ट। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं शिवरात्रि के पावन अवसर की। भारत की राजधानी दिल्ली में शिवरात्रि का पर्व कैसे मनाया जाता है, यहाँ पर उपस्थित कुछ लोगों से मैं जानकारी लेना चाहूँगी। शिवरात्रि में हम लोग शिवलिंग पर धतूरे का चढ़ाते हैं, दूध डालते हैं, उन सबका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। उनका आध्यात्मिक रहस्य ये है कि जिस तरह से भक्ति में हम अभी तक अकधतूरा चढ़ाते हैं, लेकिन परमात्मा को अक वो नहीं चाहिए, परमात्मा को हमारी बुराइयाँ चाहिए, तो हम अपनी बुराइयों का दान करते हैं। जिस तरह शिवलिंग पर तीन लकीरें दिखाई जाती हैं, जिस तरह इसका मतलब ये कि परमात्मा जो है रचना भी करते हैं, विनाश करवाते हैं और नई सृष्टि की स्थापना कराते हैं, और जो हम बेलपत्र चढ़ाते हैं अपना तन मन धन से परमात्मा पर समर्पित होते हैं, और जो हम दूध चढ़ाते हैं ये दूध हमारी प्योरिटी का है, कि दूध में हमने देखा होगा पानी ज़्यादा होता है और दूध कम होता है, ये हमारी प्योरिटी है कि हम कितना परसेंट परमात्मा पर अब अपना वो कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। तो हम इस बार शिवरात्रि पे हमारा व्रत यही है कि हम अपनी बुराइयों का ध्यान परमात्मा को देंगे। यही फर्क है कि हम पहले भक्ति में कैसे शिवरात्रि में आते स्कूल में चीज़ दे देते थे लेकिन आत्मा में परिवर्तन नहीं करते थे, सिर्फ कहते थे। तो यही हम आध्यात्मिक तरीके से अब लगता है कि सच्ची शिवरात्रि हम अब मना रहे हैं, जो परमात्मा हमसे चाहते हैं। बेलपत्र चढ़ाते हैं क्योंकि उसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश रहते हैं, तीन पत्ते का बेलपत्र चढ़ाना चाहिए क्योंकि उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का सार होता है, और हम लोग उपवास भी करते हैं और रात भर शिवरात्रि में रात भर जागरण भी करते हैं, जागरण करते हैं, भजन गाते हैं और शिव जी का पूजा करते हैं। देखिए जिस तरीके से लोगों ने अपने विवेचना में कहा है, अभी जिस तरीके से दिल्ली के लोगों का फीडबैक, वो कह रहे हैं कि ठीक है हम मंदिरों में जाते हैं, शिवरात्रि के दिन पूजा कर लेते हैं, चढ़ा लेते हैं, लेकिन ये सवाल लगातार उनको परेशान कर रहा है अभी भी, जैसे कि नहीं हम चढ़ा के तो चले आते हैं, शिवरात्रि के दिन चढ़ा लेते हैं और बहुत समय से चढ़ा के आ रहे हैं और बहुत मान्यता मान के आ रहे हैं हमको लोगों ने कहा। आप बताइए कि अगर शिवरात्रि अगर किसी को मनानी है, अगर भांग धतूरा उसको चढ़ाना है या क्या करना, कैसे वो शिवरात्रि मनाए जिससे उसको लगे कि नहीं हाँ मैंने सच्चे दिल से या सही तरीके से मैं शिवरात्रि मना के आ रहा हूँ और मेरे अंदर आत्मसंतुष्टि हो रही है, आपके हिसाब से क्या हो सकता है? देखिए इसके दो रूप हैं, एक तो ये है आप बार बार कह रहे हैं सच्चे मन से, शुद्ध मन से, तो ऐसा नहीं है कि भगवान बिल्कुल सच्चे मन वाले को ही मिलता है। वास्तव में परमात्मा का नाम है पतित पावन, उसका कर्तव्य अगर एक शब्द में कहा जाए परमात्मा क्या करते हैं तो पतित पावन है, तो ज़रूर पतितों को ही मिलेंगे जो पावन करेंगे। तो यहाँ भी एक कन्फ्यूज़न है क्योंकि लोग ये समझने लग गए मैं पावन बनूँगा तब शिव मिलेगा, तो पावन कैसे बनूँगा
तो वो फिर हजार तरीके करते हैं, गंगा स्नान करेंगे, दान पुण्य यज्ञ तप आदि आदि करते हैं कि हम पावन बन जाएं, तब भगवान से मिलेंगे। ये उसी प्रकार है कि मुझे कोई रोग है तो कि मैं ठीक हो जाऊं फिर मैं डॉक्टर से मिलूंगा, इस तरह का कन्फ्यूज़न है। अब पावन बनने के लिए वो जितने उपाय करते हैं, गीता में उन सब का निषेध है। भगवान आए, उन्होंने देखा होगा जब भगवान शिव आए कि देखो मेरे बच्चे, मुझे मैंने तो कहा था कि मेरे मनमना भव हो जाओ, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, वेद अध्ययन यज्ञ दान क्रियाएं कर रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से आज की उपलब्ध गीता में भी इसका निषेध है। इसलिए ये बात एक तो ये है। दूसरी बात कि भगवान ये भी कहते हैं, गीता में भी लिखा हुआ है कि जो जिस रूप से भी मुझे याद करता है मैं उसकी भावना सच्चे दिल से पूरी करता हूँ। अब इसका मतलब ये निकलता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति को सच्चे शिव का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो समझता है कि श्री कृष्ण भगवान है या श्री राम भगवान है या एक पत्थर को ही भगवान मानता है, लेकिन वो सच्चे दिल से, क्योंकि याद तो उसको कर रहा है, तो उसको तो पता नहीं भगवान कौन है, पर परमात्मा तो देख रहा है कि मेरे को सच्चे दिल से याद। तो एक तो ये एंगल है कि सच्चे दिल से और जिस भावना से, एक होता है परमात्मा का, परम पिता का हमें इनहेरिटेंस मिले एज ए आत्मा, लेकिन एक बच्चा जैसे होता है, पिताजी हैं करोड़पति, बच्चा कहता है मुझे लॉलीपॉप ले दो, उसमें ही खुश है, उस प्रकार की अल्पकालिक भावना भगवान पूरी कर देता है, उसमें सच्चे दिल से करें, एक फॉर्मेलिटी नहीं करें। ये बात। दूसरी बात ये है कि सच्चा शिव कौन है, सच्ची शिवरात्रि कैसे मनाई जाए, ये एक ज़रा गहरा और डिटेल्ड प्रश्न है, क्योंकि गीता के अंदर ये तो कहा गया, आपने बहन जी से पूछा था कि अभी कैसे माने कि मनुष्य की है रचना, जी, जी। तो जो आज उपलब्ध ग्रंथ है वो तो ज़रूर किसी न किसी ऋषि ने लिखा है और लोग जानते हैं, वेद व्यास जी ने इसको लिपिबद्ध किया, लेकिन जो लिपिबद्ध किया है यह है भगवानों वाच, लेकिन वो जो भगवान ने वाच किया था, आखिरकार परमात्मा ही दुनिया को सत्य ज्ञान दे सकते हैं और इसीलिए भगवानों वाच शब्द उसमें आया, लेकिन जब उन्होंने किया था, जिस रूप में किया था, जिस तरीके से किया था, जो शुद्धिकरण का तरीका बताया था, वो सारा उस लेखक ने एक लिखने के रूप में के लोगों की समझ में आए, तो उसमें सारा परिवर्तन है। मिसाल के तौर पे भगवान आए जी। अब गीता में भगवान ने कहा हुआ कि मैं परमात्मा मनुष्यों की तरह शरीर धारण नहीं करता हूँ, माता से गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, मैं अवतरित होता हूँ, मैं प्रवेश होने योग्य हूँ, मैं प्रकृति को अधीन करके आता हूँ। दूसरे शब्दों में दो शब्द हैं, एक अवतार और एक जन्म। सारे दुनिया के लोग, चाहे वो महात्मा है देवात्मा है, जिन्होंने शरीर लिया वो जन्म लेते हैं, छोटे बच्चे से जन्म लेते, और परमात्मा कहते हैं मैं जन्म नहीं लेता हूँ, किसको माता पिता कहूँ, मैं तो सब, तो मैं अवतरित होता हूँ। तो गीता को पढ़ते हैं लोग, लेकिन कहीं उनको क्लियर नहीं होता कि परमात्मा किस विधि से अवतार लेते हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया है कि श्री कृष्ण जी के शारीरिक लौकिक जन्म को ऐसा रूप दिखाया है कि वो लगे कि अलौकिक है, अर्थात कि ताले खुल गए और वो उनको ले गए, जमुना चढ़ी हुई थी तो उसने सांप ने शायद, टू मेक इट सुपर नेचुरल, लेकिन कुछ भी कर लो, फैक्ट तो ये रहता है कि उन्होंने जन्म लिया था। तो जन्म, परमात्मा तो जन्म नहीं लेते, इसलिए वो एक लेखक ने जितना उसकी बुद्धि चलती थी उस रूप से जो कुछ लिखा है। मान लीजिए भगवान उन्होंने दिखाया रथ में बैठे हैं, अर्जुन के रथ में बैठे हैं। अब भगवान कहते हैं मैं शरीर रूपी रथ में अवतरित होता हूँ, क्योंकि मेरा अपना शरीर नहीं है, भागीरथ में। तो सारी बात गीता के अवतरण का तरीका, भगवान का समय आदि सब बदला हुआ, इस वजह से लोग कन्फ्यूज। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल अभी जो सामने आया है कि भगवान की आराधना के बारे में आपने बहुत बारीकी से रखा, और इसमें बहुत दो तीन सवाल जो निकल के सामने आए हैं, यह है कि जो जिस रूप में भगवान को पूजता है, चाहे राम या कृष्ण जिसमें भी रूप में, उसको अल्पकाल की प्राप्ति मिलती है, लेकिन लगातार ये सवाल अब और बड़े होते जा रहे हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, अगर वो पूजा कर रहे हैं उनको थोड़ी प्राप्ति हो गई तो लगता है कि उनको भगवान को। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।
शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन।